हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसरकारी। दिस इज द वीडियो फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज एंड वी विल बी टेकिंग अप द नाइन्थ क्वेश्चन। अ पॉलीगन इज 11 साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो मेरे पास एक पॉलीगन है जिसके 11 साइड्स है और हमें उस पॉलीगन के टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं कि उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। सो फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन और परहैप्स एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वी विल टेक अ पॉलीगन विद 5 साइड्स। इट इज़ अ स्मॉलर नंबर, सो वील टेक अ पॉलीगन विद 5 साइड्स। इससे हमें एक इन्फ्लुएंस ये मिलता है कि 5 साइड्स मीन्स 5 पॉइंट्स और 5 वर्टिसेस, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। अब इसके जब हमें डायगोनल्स निकालने हैं, सो वट वी नीड इज वी नीड टू जॉइन एनी टू पॉइंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो डायगोनल्स हो जाएंगे वो हम कैसे पता लगाएंगे? 5 हमारे पास पॉइंट्स है टोटल और एक डायगनल बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, सो वील राइट 2 हियर। परफेक्ट, ऐसे करके हम टोटल डायगनल्स निकाल लेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता जैसे कि हमने पहले वाले उसमें देखा, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा एंड नॉट परम्यूटेशन एट ऑल। तो बट इसमें हमें एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अगर हम एन मान के चले विच राइट नाउ विच इज 5, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी बिकॉज 2 पॉइंट से तो ये भी ज्वाइन हो रहा है, जैसे कि इन इस पॉइंट से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये एक साइड बन गया, बट हमें इस साइड को इंक्लूड नहीं करना बिकॉज साइड इज नॉट अ डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल। तो ये चीज हमें इंक्लूड करनी है, बट इन टोटल वी विल सब्ट्रैक्ट द साइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ जब हम निकालेंगे कि 5 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट्स बन सकते हैं, वो इस चीज से आ जाएगा। सो 5 से 2 विल बी 10, यानी के टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मेड आउट ऑफ 5 पॉइंट्स विल बी 10, बट आउट ऑफ दीज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द साइड्स बिकॉज साइड्स आर नॉट डायगोनल्स। सो द नंबर ऑफ साइड्स दैट वी हैव इज 5, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10 विच विल बी इक्वल टू 5, देयरफॉर द नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू 5। अब ये तो था एग्जाम्पल। दिस क्वेश्चन इफ वी लुक एट a polygon has 11 sides, so now what happens is n will be 11 if you look at the actual question. So 11c2 minus 11 is our answer. 11 here is sides, and first we'll solve this ki total number of line segments jo ban gaya 11 points hai, as we have said ki number of sides is equal to number of points aur do hame chahiye ek line segment banane ke liye. So this will be the case. So 11 into 10 into 9 factorial, 9 factorial into 2 factorial, right here. So it will be 5. So I need 55 minus 11. 11 here is the number of sides. Because sides are not diagonals, nahi hai. But they are included in this formula. That's why we will subtract them. Now 44 will be the answer. Therefore, the number of diagonals of a polygon which has 11 sides will be 44. Now right now the question was polygon has 11 sides, find the number of diagonals. तो हमें sides दे रखी थी और हमें diagonals निकालने थे. The question can be this way also कि अगर हमें diagonals दे दे, like if they give us the number of diagonals and we need to find out the number of sides of that polygon, तो उस case में हम क्या करेंगे? So sides is what we need to find. तो हम sides को n मान लेते हैं और जो हमें given है that is diagonals, this is equal to 44. जो अभी हम मान के चल रहे हैं कि same question को अगर हम लेके चले तो sides हमें निकालनी है. So we'll simply write the formula nc2 minus n which will be equal to 44. अब यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ जो हमें निकालना था उसकी जगह हमने value put कर दी, एंड यहाँ जो हमें वैल्यू दे रखी थी एन की, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, उनकी जगह हमने यहाँ पे एन लिख दिया. तो नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर एन. सो फर्स्ट राइटिंग द फॉर्मूला, ओपनिंग द फॉर्मूला, इट विल बी 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस एन विच विल बी इक्वल टू 44. अनदर थिंग दैट विल बी, अब हमें इसको सॉल्व करना है कि फैक्टोरियल हट जाए बस, ताकि काम सिंप्लीफाई हो जाए. नाउ एज वी नो when we solve for 7 factorial it becomes 7 into 6 into my 5 factorial. same चीज़ हम यहाँ करेंगे, ये बस एक example है, same चीज़ हम यहाँ करेंगे. we'll write n जैसे हमने 7 लिखा, then into n minus 1, जैसे 7 minus 1 हम 6 लिखते हैं ना,
वैसे ही हम एन माइनस वन लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू, एन माइनस टू जैसे 7 - 2 = 5, एंड देन इसका फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल को यहाँ या फिर यहाँ, यहाँ तो खैर था ही, हमने एन माइनस वन के बाद स्टॉप नहीं करा फैक्टोरियल को, बिकॉज हमें एन माइनस टू फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। तो जो हमें कैंसिल करना है हम वहाँ तक ले जाते हैं, अगर वो 3 या 4 तक भी आ रहा है तो। देन वील राइट हेयर द सेम थिंग, एंड 2 factorial is 2, सो वील सिंपली राइट 2। नाउ कंटिन्यूइंग दिस, इफ यू कैंसिल दिस वील गेट एन इन टू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस एन इज इक्वल टू 44। सो इफ यू कंटिन्यू सॉल्विंग, ये तो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, लाइक एन इन टू एन विल बी एन स्क्वायर, देन माइनस का साइन है, देन एन इन टू वन विल बी एन अगेन, एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन इज इक्वल टू 44। तो 2 को यहाँ राइट साइड लाने के लिए वील हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई दिस ऑल्सो, सो इट विल बी 2n इफ यू मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर के, एंड इट विल बी 88। सो इट विल बी एन स्क्वायर माइनस 3n विच विल बी इक्वल टू 88। नाउ एन स्क्वायर माइनस 3n, इसको इधर ले आएंगे तो इट विल बी माइनस 88 विच विल बी इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला केस हो गया, इफ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की पावर 2 है तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी n की, अब उसमें से हमको लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसे 88 है, हाउ विल वी सॉल्व फॉर इट, जैसे 244 हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, सो इट विल बी 22 देन 11 एंड देन 11 इज ओनली, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। नाउ वी नो दैट दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 11, तो वील राइट हियर माइनस 8n एंड 11n माइनस 88। तो यहाँ पे दोनों में माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे बड़े वाले के सामने माइनस आएगा, बिकॉज 3 - 3n है ना, तो जो बड़ा नंबर है दैट इज 11, उसके सामने माइनस आएगा, एंड दी स्मॉलर नंबर विल हैव प्लस इन फ्रंट ऑफ इट, सो इट विल बी n इंटू एन प्लस 8 एंड इट विल बी माइनस 11 इंटू एन प्लस 8 विच विल बी इक्वल टू 0। इसको हमने निकाल लिया राइट कॉमन, तो n माइनस 11 इंटू एन प्लस 8 हो जाएगा, एंड नाउ n विल आइदर भी इक्वल टू प्लस 11 और भी इक्वल टू माइनस 8, दो ऑप्शन है, माइनस का हमें नहीं लेना, सो आंसर विल बी 11। दैट इज द वे दैट वी विल सॉल्व इट, अगर केस दूसरा दे रखा हो तो, दैट इज इफ द डायगनल्स आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। इसमें बस एक क्वेश्चन ओपन करनी है, एंड मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बाकी क्वेश्चन में भी हमको विजिबल होएगा व्हेन वी नीड टू सॉल्व दिस। Now the next question is question number 10. In how many ways can the squares of the adjoining figure be filled with the letters of the word Rohini so that each row contains at least one letter? So basically इसमें ये कह रहा है कि हम इसको कितने तरीके से fill कर सकते हैं so that each row contains at least one letter, यानी कि जैसे these are the 3 rows that we have, तो हर रो में एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन दोनों में फिल कर दें एंड इन 4 में फिल कर दें बाकी के, सो टोटली 6 लेटर्स हो गए एंड इस पूरी रो को हम एम्प्टी ही रख दें, तो दिस शुड नॉट बी द केस। नाउ द वे दैट वी विल चूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालें, इसे द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज दैट वी हैव इज 8 राइट, तो अगर हम 8 में ये जो 6 लेटर्स हैं दैट इज आर ओ एच आई एन आई, एंड माइंड यू कि आई इसमें रिपीट हो रहा है तो वो चीज़ें हमें बाद में डिवाइड भी करनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम सिर्फ इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचें कि हम कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं इस चीज़ में, इन दिस केस परम्यूटेशन विल ऑल्सो बी अलाउड ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें लेटर्स की बात हो रही है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सो 8C6 बिकॉज वी हैव 6 लेटर्स, तो अगर हम इन 8 बॉक्स में टोटल वेज निकाले अरेंजमेंट के, सो दे विल बी 8C6 वेज, बट इसमें वो वाले केसेस भी इंक्लूडेड होंगे जब जैसे एक रो है वो एम्प्टी होगी, या तो ये रो या फिर ये रो, ये दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये वाली रो एम्प्टी हो या फिर ये वाली रो एम्प्टी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली रो एम्प्टी हो, द रीज़न बींग बिकॉज इसमें सिर्फ 4 ही बॉक्सेज हैं एंड वी हैव ऑल 6 लेटर्स, तो 6 को भरने के लिए ये तो ऑक्यूपाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर हम इन दोनों को फिल करेंगे तो। तो देर विल बी 2 वेज इन विच एनी रो रिमेन्स एम्प्टी या फिर 1 रो रिमेन्स एम्प्टी, तो फिर हम इन टोटल वेज में से इन 2 वेज को माइनस कर देंगे, बट फर्स्ट वील फाइंड आउट द टोटल वेज, सो इट विल बी इनटू 6 factorial 2 factorial, कैंसिल करने के बाद विल गेट 4, सो इट विल बी 28 माइनस दीज 2 वेज
जिनमें की जो एक रो है वो एम्प्टी होगी क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे उन वेज को। सो टोटल वेज हो गए 26। अब इसके इसमें हमने कॉम्बिनेशन लगाया, तो हमने अरेंजमेंट की बात नहीं करी है, बट वी नीड टू फोकस ऑन अरेंजमेंट एज वेल। सो हेयर वील राइट 6 factorial डिवाइडेड बाई 2 factorial, क्योंकि 6 हमारे पास लेटर्स है रोहिणी में, एंड 2 factorial इज बिकॉज आई एंड आई आर बींग रिपीटेड, राइट? आई 2 बार आ रहा है, सो इट इज आइडेंटिकल एंड रीअकरिंग। सो ऑब्वियसली सो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 factorial इट विल बी दिस केस एंड द आंसर विल बी 360। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 factorial इज 720, राइट? डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 360। After this answer 360, we need to see that the combination gives us the ways of selection of these boxes and then filling up these. But the ways of arranging these letters is given by the permutation, which is this. So we need to multiply both of these, that is 26 × 360, which will give us 9360. Now basically in this question what they say is that there should be at least one